केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, भागवत करार जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, और आज के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि देश के सैकड़ों शहरों में लाखों रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई बहन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। आज का ये पीएम स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमारे पास आसपास तो रहते ही हैं और जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। और कोविड के समय सबने देख लिया कि रेहड़ी पटरी वालों की ताकत क्या होती है। हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेले वाले, सड़क किनारे दुकान चलाने वाले, ऐसे हर साथी का मैं आज इस उत्सव में हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज देश के कोने कोने से जो साथी जुड़े हैं उनको भी इस पीएम स्वनिधि का एक विशेष लाभ, आज 1,00,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और सोने में सुहागा है, आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तारीख है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश भर के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी, फुटपाथ पर, ठेले पर लाखों साथी काम करते हैं। ये वो साथी हैं जो आज यहां मौजूद हैं, जो स्वाभिमान से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके ठेले, इनकी दुकान भले छोटी हो लेकिन इनके सपने छोटे नहीं होते हैं, इनके सपने भी बड़े होते हैं। अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सूद तक नहीं ली है, इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरे खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था,
फुटपाथ पर सामान बेचते हुए पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो मजबूरी में महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था और लौटाने में अगर कुछ दिन भी देरी हो गई, अरे कुछ घंटे देरी हो गई तो अपमान के साथ साथ ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ता था और बैंकों में खाते तक नहीं थे, बैंकों में प्रवेश नहीं हो पाता था तो लोन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाता खुलवाने तक के लिए भी अगर कोई पहुंच भी गया तो भांति भांति की गारंटी उसको देनी पड़ती थी और ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी असंभव ही था। जिनके पास बैंक खाता था उनके पास व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े सपने हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है। आप साथी मुझे बताइए, मैं जो वर्णन कर रहा हूं क्या ऐसी समस्याएं आपको थी कि नहीं थी? सबको थी। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी न समझी न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। और मैंने आपकी गारंटी ली और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बड़े बड़े लोगों की बेईमानी को भी देखा है और छोटे छोटे लोगों की ईमानदारी को भी देखा है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद
आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है, यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। साथियों, कोरोना के समय में जब सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी तो किसी को अंदाज नहीं था कि कितनी बड़ी योजना बनने जा रही है। तब कुछ लोग कहते थे कि इस योजना से कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना को लेकर हाल में जो स्टडी आई है वो ऐसे लोगों की आंखें खोल देने वाली है। स्वनिधि योजना की वजह से रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वालों की कमाई काफी बढ़ गई है। खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन देन करने पर इन साथियों को साल में 1200 रुपये तक का कैश बैक भी मिलता है, यानी एक प्रकार का प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले आप जैसे लाखों परिवारों के लोग शहरों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। आप में से ज्यादातर अपने गांवों से आकर शहरों में ये काम करते हैं। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है ये सिर्फ बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम भर नहीं है, इसके लाभार्थियों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। आप जैसे सभी साथियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि कामकाजी साथियों के लिए शहरों में नया राशन कार्ड बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। मोदी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसलिए एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई गई है। अब एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं पर भी राशन मिल जाता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले ज्यादातर साथी झुग्गियों में रहते हैं,
मोदी ने इसकी भी चिंता की है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, इनमें से करीब 1 करोड़ घर शहरी गरीबों को मिल चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार राजधानी दिल्ली में भी झुग्गियों की जगह पक्के आवास देने का बड़ा अभियान चला रही है। दिल्ली में 3,000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3,500 से अधिक घर दिल्ली जल्दी पूरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, बाकी बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी होगी। सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमने शहरी गरीबों के लिए पक्के घर बनाए, तो मध्यम वर्ग के परिवारों का घर बनाने के लिए भी मदद की। देश भर में मिडिल क्लास के लगभग 20 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। हम देश के शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ईमानदारी से जीते हुए हैं। इसके लिए देश में दर्जनों शहरों में मेट्रो सुविधा पर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो का दायरा भी 10 साल में करीब करीब 2 गुना हो चुका है। दिल्ली जितना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दुनिया के गिने चुने शहर देशों में है, बल्कि अब तो दिल्ली एनसीआर नमो भारत जैसे रैपिड रेल नेटवर्क से भी जुड़ रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलवाई हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं, उससे भी ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। कुछ दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण हुआ है। इससे दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी का जीवन आसान होगा। साथियों, भाजपा सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि गरीब और मिडिल क्लास के युवा खेलकूद में आगे बढ़े। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने हर स्तर पर माहौल बनाया है। खेलो इंडिया योजना से देश भर में सामान्य परिवारों के वो बेटे बेटियां भी आगे आ रहे हैं जिन्हें पहले अवसर मिलना असंभव था। आज उनके घर के आसपास ही अच्छी खेल सुविधाएं बन रही है। सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए मदद दे रही है। इसलिए मेरे गरीब परिवार से निकले खिलाड़ी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। साथियों, मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है।
और इसलिए आज पूरा देश भी कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, देश के सामान्य मानवीय के सपने और मोदी के संकल्प, यही साझेदारी शानदार भविष्य की गारंटी है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, देश भर के स्वनिधि लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।